वेलकम बैक। और फिर अभी हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले फटाफट रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले एक बार और थोड़ा सा जीरोज को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि चेक वेदर दिस नंबर इज जीरोज ऑफ दैट और नॉट, जैसे पूछा गया चेक वेदर वन सॉरी टू एंड माइनस टू इज जीरोज ऑफ एक्स माइनस टू। आपसे बोला गया कि चेक कीजिए कि 2 और माइनस टू क्या x माइनस टू का जीरोज है, x माइनस टू पॉलिनोमियल का जीरो। आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था जीरो पूर्ण, x की जगह पर उस वैल्यू को रखो। तो x की जगह पर अगर आपने 2 रखा, 2 माइनस टू क्या है जीरो, तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब 2 क्या है, उसका जीरोज है। अब अगर x की जगह पर माइनस टू रखो तो माइनस टू माइनस टू, तो क्या आ गया माइनस फोर, जीरो आया नहीं। तो इसलिए 2 तो इसका जीरोज है लेकिन माइनस टू जो है उसका जीरोज नहीं है। क्लियर है आपको? तो एक बात अब समझ लेना यहां से, आप जब भी कभी जीरोज की बात करें, मैं बोलूं कि टू जीरोज है किसी भी इक्वेशन का, किसी भी पॉलिनोमियल का, तो आप ये समझना दिमाग में ऐसे कि आप चूंकि टू क्या है पॉजिटिव में है, तो आप ऐसे समझोगे x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x बराबर क्या आएगा टू। तो इसीलिए जो टू अगर आपको बोला गया जीरोज है तो आप सोचोगे क्या x माइनस टू, एक काम आएगा आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में। ठीक है, उसी तरीके से मैं बोलूं कि माइनस टू जीरोज है किसी भी इक्वेशन का, तो आप क्या सोचोगे एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। आप जीरो के बराबर पुट करके देखो तब सोचो, तो एक्स बराबर यहां से करोगे तो क्या आएगा माइनस टू, यानी कि आप माइनस टू अगर किसी चीज का जीरोज है तो आप उसको इक्वेशन के फॉर्मेट पे क्या लिख सकते हो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो सोचना है, बट आप यहाँ पे एक्स प्लस टू उसको लिख सकते हो एज अ फैक्टर। फिर टू बने बोला इसको एक्स माइनस टू और सोचना है इक्वल टू के बराबर। क्लियर है आपको? ये दिमाग में रख लेना, बहुत काम आएगा। जब भी मैंने बोला जीरोस की बात करो तो हमेशा अगर बोला मैंने कि टू जीरोस है, मतलब टू किसी भी इस इक्वेशन का जीरोस है प्लस टू, तो आपको क्या सोचना है एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो क्या जाएगा एक्स बराबर टू, यानी कि उसके लिए आप क्या लिख सकते हो एक्स माइनस टू। उसी तरह से अगर मैं बोलूं माइनस टू किसी का जीरोस है, आप क्या सोचोगे एक्स प्लस टू। क्लियर? अब ये जीरोस का ये पंगा है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसी जीरोस के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि आपका है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम चूंकि बहुत सिंपल है, यहां पर मैंने कुछ तीन क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चंस को पहले आपको बता दूं। इसमें क्या है, बाई डिवाइड करने है। आप पहले भी जानते होंगे डिवाइडेड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला जानते होंगे आप। ठीक है ना, इसका यहां पे पूरा यूटिलाइज है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो, और डिवाइड करने का तरीका पहले आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो डिवाइड करने का तरीका मान लीजिए है आपके पास, यहां पे मैं करता हूं जो कि है आपका 3x² प्लस x माइनस वन, और डिवाइड कर रहे हैं आप किससे x माइनस वन से। अब इस डिवीजन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है समझना उस बात, क्योंकि ये सिंपल है तो आप अलग अलग टर्म्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 3x² को एक बार x माइनस वन से। लेकिन खैर यहाँ पे हम समझेंगे सिंपल तरीके से। यहाँ पे जो इक्वेशन है x माइनस वन, आपको पहला डिजिट लाना है 3x² किसी भी तरीके से। आप इसमें कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे उसको 3x² मिल जाए। तो इसको करने का सिंपल एक तरीका होता है, आप डिवाइड करके देख लो, जैसे 3x² को x माइनस वन से डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा। तो पहला नंबर इसमें क्या है x, अब आप x में क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि 3x² आ जाए, तो 3x² को डिवाइड करो x से, तो x और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x। तो अगर आप x में 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² मिल जाएगा। आपका मोटिव हमेशा क्या होना चाहिए, सिर्फ पहले वाला जो नंबर है वो आ जाए हर हाल में। तो आपके इस वाले नंबर को x को किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे 3x से, तभी तो 3x² मिलेगा, तो 3x² मिल गया। लेकिन बात ये है कि सिर्फ x तो यहाँ इक्वेशन में नहीं है ना, x माइनस वन भी है, तो जो 3x आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई किया है ना, यानी कि x माइनस वन को आपने मल्टीप्लाई किससे किया है 3x से, तो 3x इंटू x क्या हो गया 3x² और 3x माइनस वन क्या हो गया माइनस 3x। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, जो नीचे है उसका साइन को चेंज कर देना, यानी कि 3x² प्लस में है तो हो गया माइनस, माइनस में है तो हो गया प्लस, समझ में आया?
तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। पहला वाला तो हमेशा काटना ही काटना है, सिंपल से बात है किसी भी तरीके से। और उसके बाद अब यहाँ पे एक्स और यहाँ क्या बचा प्लस थ्री एक्स, तो थ्री एक्स प्लस एक्स क्या हो गया फोर एक्स, और ऊपर में जैसा था वैसा रहेगा फोर एक्स माइनस वन। अब फिर से आपको इतना पहला डिजिट क्या है फोर एक्स, तो इसमें आपको ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे फोर एक्स आ जाए। तो तरीका क्या है फोर एक्स को डिवाइड करो पहले वाले से एक्स से, कट गया क्या बचा फोर, यानी कि आप फोर से मल्टीप्लाई अगर करते हो, साइन दिमाग में रखना है प्लस है इसलिए प्लस फोर, तो यहां बच गया फोर एक्स, क्योंकि फोर दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर। अब यहां फिर साइन चेंज करेंगे माइनस ये प्लस ये कैंसल, और फोर माइनस और यहां एक है फोर माइनस वन क्या हो गया थ्री, क्लियर। अब एक बात समझना, जब भी कभी रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है सिंपल कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जैसे आपने x माइनस वन से डिवाइड किया, तो x माइनस वन को डिवाइड किया हमने क्या बोला था इसको सोचो x माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि x बराबर क्या है वन, और इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रखो यानी कि डिविडेंड में रखो। तो मैंने अगर x के जगह पे वन रखा तो थ्री इंटू वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है माइनस वन, तो थ्री प्लस वन माइनस वन जीरो, यानी कि क्या आएगा थ्री। तो जितना ये आएगा ना उतना ही इसका रिमाइंडर आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने बनाया ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो डिवाइडेड बाई जिसको दिया है जो आपका डिवाइजर है उस डिवाइजर को एक्स माइनस वन है, तो ये सोचो कि ये जीरोज है, तो जीरोज बनाने के लिए एक्स माइनस वन बराबर जीरो पुट किया, एक्स बराबर क्या आया वन, उस वन वैल्यू को इसमें डालो और यहां पे जो आएगा ना वही उसका रिमाइंडर सॉल्व करने के बाद आएगा। अगर ये आता है तो इसी ढंग से काम करेगा, तो आप कह सकते हो कि जब भी ये हमेशा दिमाग में रखो तभी आप कह सकते हो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग काम हुआ है। तो रिमाइंडर थ्योरम बस यही कहता है। सेम अगर यहाँ पे आप चाहो कि इसका रिमाइंडर क्या होगा तो आप खुद से सोच सकते हो, एक्स प्लस वन से डिवाइड है तो एक्स प्लस वन बराबर क्या है जीरो, फिर आप सोचो तो एक्स प्लस वन बराबर क्या सोचोगे जीरो, तो x बराबर क्या आएगा माइनस वन, तो यानी कि यहां से आया फैक्टर माइनस वन, और माइनस वन इसमें डालो तो माइनस वन का क्यूब प्लस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस वन क्या आया जीरो, तो उसका रिमाइंडर भी पक्का जीरो आएगा। और जब भी किसी चीज का रिमाइंडर जीरो आ जाए तो समझ लो उसका फैक्टर है, क्लियर। जीरो आ रहा है तो फैक्टर है, बात खत्म। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली यही कहता है कि जिस चीज से डिवाइजर है उसको जीरो पर पुट करो, उसकी वैल्यू जो आ रहा है फैक्टर उसमें डालो, जो आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा, क्लियर। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम के बारे में। इसमें जीरोस का यूज है पूरी तरीके से, ठीक है ना, तो आपको जीरोस का इस्तेमाल ढंग से करके रखना है। अब देखो फैक्टर थ्योरम जो है इस इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक होता है मिडिल टर्म और दूसरा होता है आपका फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। तो फैक्टर थ्योरम क्या है देखिए, मान लीजिए है वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, तो फैक्टर थ्योरम सिंपल एक बात बोलता है कि जो कांस्टेंट नंबर है उसका फैक्टर सोचो, सिक्स सिक्स है तो सिक्स का फैक्टर मतलब किस किस चीज से डिवाइड हो सकता है, वन से टू से थ्री से सिक्स से। तो आप एक बार हमेशा सोच लेना, अगर ध्यान से बोला जाए तो फैक्टर सोचने का तरीका यह है कि जो भी कांस्टेंट नंबर है उसी पर ध्यान देना है, उस कांस्टेंट नंबर के बारे में ये सोचो आप कि वो कांस्टेंट नंबर किस किस टेबल में आता है, यानी कि किस किस के पहाड़ में आता है सिंपल। तो आप सिक्स कौन से, वन के पहाड़ में आएगा, टू के पहाड़ में, थ्री और सिक्स के पहाड़ में, तो जो यही है वही उसका क्या है फैक्टर, इसलिए नाम लिया है फैक्टर थ्योरम। अब मैंने क्या बोला था जीरोज वाला पार्ट, जैसे मैंने बोला कि वन इसका फैक्टर है तो आप क्या सोचोगे एक्स माइनस वन, अगर मैं बोलूं टू है तो क्या सोचोगे एक्स माइनस टू। लेकिन हमने फैक्टर अभी देख तो लिया, अब वन बाय वन पहले डाल के देखेंगे कि जीरोज आ रहा है कि नहीं, अगर जीरोज आ रहा है तभी उसका फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। तो हम पहले इस इक्वेशन में वन डालते हैं, वाई की जगह पे हमने डाला तो वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन प्लस सिक्स, तो वन माइनस फाइव प्लस सिक्स। अब देखो तो वन माइनस फाइव यहाँ सिक्स, अब इसको वन माइनस फाइव क्या हो गया माइनस फोर, माइनस फोर प्लस सिक्स क्या आया टू, तो टू आया यानी कि जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब वन जो है इसका फैक्टर नहीं होगा, क्लियर। फिर उसी तरीके से हम इसमें टू डाल के देखेंगे, तो टू डाल के देखते हैं वाई की जगह पे, तो टू का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स,
2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 4 6 प्लस 6 क्या है 12। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बातें है कि जब जब उसका वैल्यू जीरो का नहीं आ रहा है तब तक हम उसको उस फैक्टर में उसको काउंट जो है अभी फिलहाल नहीं करेंगे। फिर अगर हम बात करें किसकी, 3 की, फिर 3 को रखिए आप। अगर आप 3 को रखते हो तो आप यहां काउंट करके देखो, 3 का तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 माइनस 15 तो यहां आ गया, 9 माइनस 15 करोगे माइनस 6 प्लस 6 आ गया 0, तो 0 आ गया यानी कि 3 क्या है, फैक्टर है। देखो आप एक बात और ध्यान रखना, अगर 1 आप देख रहे हो 1 2 3 तो सिंपल क्या करोगे, 1 का प्लस में भी लोगे माइनस में भी लोगे, अगर आप 2 का ले रहे हो प्लस में तो माइनस में भी, जैसे 2 एक पड़ेगा आप माइनस 2 डाल के देखो तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 क्या होगा माइनस 10 प्लस 6, 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 क्या है 0। देखो इस तरह से भी 0 आ जाए तो माइनस 2 उसका फैक्टर है, तो आप बीच वाले टर्म को वहां से वही लिख दोगे, यानी कि जो आपका अभी इक्वेशन था वाई स्क्वायर माइनस, हमें पता चल गया कि माइनस 2 और माइनस 3 फैक्टर है, तो माइनस 2 फैक्टर तो क्या लिखोगे एक्स प्लस 2, तो जो आप उसमें लिखते हैं वाई है तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस इसके जगह पे माइनस 5 वाई की जगह पे आपको क्या लिखना है, दो चीज इसको हटा के फैक्टर आपको क्या लिख देना है जो है एज इट इज, यानी कि क्या है आपको वाई, चूंकि माइनस आया है आपको तो वाई प्लस 3 एंड वाई माइनस 3, उस पूरे को हटा के आपने ये इक्वेशन लिख दिया। ये फैक्टर थ्योरम है जिससे आप आराम से सॉल्व करके निकाल लोगे, ठीक है ना, जहां वाई की वैल्यू। लेकिन एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही बोलते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा सोचिए वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, अब मैं बता रहा हूँ वो स्प्लिटिंग टर्म्स बता रहा हूँ। स्प्लिटिंग टर्म सिंपल देखिए क्या होता है, मान लो आप पहले जो नंबर है ना बीच वाला उसको सोचो, बीच वाला क्या है माइनस 5 और लास्ट वाला सोचो 6। आपको कोई दो नंबर ऐसे चाहिए, ध्यान से समझना, जिसको मल्टीप्लाई करने पे, याद रखो जैसे वाई स्क्वायर के साथ अगर कुछ रहता मान लो 5, तो 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके रख लो साइड में 30, और माइनस 5 इसको साइड में रख लो। आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई दो नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे कि उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए और दोनों को जोड़ने या घटाने पे माइनस 5 आना चाहिए। तो अगर मैं 5 हटा देता हूँ यहाँ से तो आपके पास वाई स्क्वायर साथ क्या है 1, तो 6 इंटू 1 क्या हो गया 6, यानी कि आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे माइनस 5 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, देखो वाई स्क्वायर मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, इसको निकालने के लिए सिंपल आप एलसीएम लो, जिससे डिवाइड होता है उसे डिवाइड करो, 2 3 दा 6। अब आप सोचो इसमें और कर सकते हो 3 1 जा 3, अब आपको दो नंबर चाहिए तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और अगर माइनस 2 और माइनस 3 लेते हो तो माइनस 5 मिल जाएगा। तो आपको बस हमेशा एलसीएम लेना है, एकदम सिंपल ट्रिक और कुछ नहीं। उसके बाद वाई तो माइनस 5 को क्या लिख सकते हो माइनस 2y माइनस 3y और प्लस 6 को एज इट इज रहने दो, दो फैक्टर मिल गया। जब ये फैक्टर निकाल रहे हैं बीच, इसलिए बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट किया, बाद बाकी पहले और आखिरी को सेम रखना है, ठीक है। अब यहाँ से वाई स्क्वायर, अब इसमें कॉमन निकाल लो आप, यहाँ वाई स्क्वायर है माइनस 2y, वाई कॉमन हो जाएगा तो वाई इंटू वाई माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3y है तो यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लो तो क्या हो गया वाई माइनस 2, जो दोनों सेम है वो इसको एक साथ लिख दो वाई माइनस 2 और यहाँ हो गया वाई माइनस 3। यही ध्यान में रखोगे यही आया था आपको वहां पे भी ऐसे समझ में, तो ये आपका वाई माइनस 2 और वाई माइनस 3 यहाँ से निकल गया, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, दैट्स इट। अब वैल्यू निकालना है तो वाई माइनस 2 को एक बार 0 को बराबर पुट करो तो वाई बराबर 2, और एक बार वाई माइनस 3 को 0 को बराबर पुट करो तो वाई बराबर 3, क्लियर। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सेम एज इट इज काम करता है। बस अगर आप फैक्टर थ्योरम की बात करोगे तो सबसे पहले आराम से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल लो और बस जो मेथड फैक्टर थ्योरम है उसमें चिपका लो, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस फैक्टर मेथड आपको पता चलेगा कि कैसे रखना है, आपको यहाँ से इससे पता चलेगा फैक्टर इजिली। और जो कॉन्स्टेंट नंबर है किसी का भी अगर 18 का फैक्टर निकालना है तो इसको 2 से 2 9 18, अब उसमें सेलेक्ट करके देखो कि 2 और 9 काम कर रहा है कि नहीं, मतलब बीच वाले में अगर 7 रहता तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 काम हो जाएगा या 18 काम हो जाता। उसी तरीके से अगर नहीं हो रहा है तो 3 3 देना, फिर देखो 3 प्लस 3 को दो नंबर ही चाहिए तो आप खुद से उसमें सेलेक्ट कर सकते हो और हमेशा आपको काम आएगा।
ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी, फिर भी कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा और सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक चीज और, एग्जांपल जरूर करेंगे, बिना एग्जांपल के एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।